नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका की मुस्लिम सांसद इलहान उमर को इसराइल पर टिप्पणी करने की वजह से विदेश मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। इलहान उमर कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक मुसलमानों के मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया देती आई हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर विरोधी माना जाता है। इस समय अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बहुमत में है। ऐसे में सदन में मतदान के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इलहान उमर को समिति से बाहर कर दिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इलहान उमर चर्चा में हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा कर चर्चा में आ चुकी हैं। इलहान उमर मोदी सरकार और कश्मीर को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिरकार मोदी सरकार मुसलमानों पर और क्या क्या जुल्म करेंगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के भारत समेत कई देशों के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक अन्याय का नाम दिया था। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इलहान उमर ने 2021 में अमेरिका और इसराइल की तुलना तालिबान और हमास से की थी, जिसको लेकर यहूदी गुट भड़क उठे थे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यहूदी सांसदों ने कहा था कि इलहान अली के इस बयान से आतंकवाद को संरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में मौजूद इसराइल के हिमायतियों को भी अड़े हाथों लिया था। इलहान उमर ने 2019 में दावा किया था कि अमेरिकी राजनीति में इसराइल के जो समर्थक हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो पैसों की वजह से समर्थन करते हैं। उनका इशारा ट्रंप की पार्टी के नेताओं की तरफ था। इलहान उमर ने पिछले साल पाकिस्तान वाले कश्मीर का भी दौरा किया था, जिसकी भारत ने आलोचना की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इलहान उमर की यात्रा को निंदनीय बताया था। मंत्रालय ने कहा था कि अपने यहाँ छोटी सोच वाली राजनीति करना उनका काम है, लेकिन ऐसी नेता अगर हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर अमेरिका में भी बाइडेन सरकार ने इस यात्रा को व्यक्तिगत बता के अपना पल्ला झाड़ लिया था। इलहान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लेकर आई थी। उमर ने इस प्रस्ताव में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अपील की थी कि वो भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। आइए जानते हैं इलहान उमर कौन है। इलहान उमर एक अफ्रीकी शरणार्थी है जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच गई। इतना ही नहीं, वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। इलहान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था। सोमालिया में चल रहे लगातार गृह युद्ध की वजह से उनके परिजनों ने देश छोड़ दिया था। तब वे 8 साल की थी। 1990 में उनका परिवार अमेरिका चला आया, जहां उन्होंने अमेरिकी राजनीति में करियर बनाने का सोचा। आखिरकार 2019 में वे अमेरिकी सांसद चुनी गई। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।